हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप अपने तेल में दो ऐसी चीज़ों को मिलाकर अपने बालों में लगाएंगे तो आपके बालों की ग्रोथ तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, जो भी तेल आप यूज़ करते हैं आपको उस तेल का यूज़ करना है। आज मैं आपको कैस्ट्रोल के अंदर दो ऐसी चीज़ों को ऐड करके बालों में लगाने का एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिससे आप अपने बालों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं और अपने नए बालों को तेज़ी से उगाकर अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपने बालों को लंबा, काला, घना बना सकते हैं। फ्रेंड्स, कैस्ट्रो ऑयल बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये बालों की ग्रोथ को बढ़ाने का तेज़ी से कार्य करता है, नए बालों को उगाता है और बालों की समस्याओं को दूर करने का भी कार्य करता है। तो आज आपको कैस्ट्रो ऑयल का यूज़ करना है। अगर आप अपने बालों में कैस्ट्रो ऑयल यूज़ नहीं करते हैं, जो भी आप तेल यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं और उसके ज़रिए भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते आज के नुस्खे को। आपको सबसे पहले लेना होगा एक क्लीन बाउल और इसमें आपको ऐड करने होंगे 2 चम्मच कैस्ट्रो ऑयल के। इस तरह से 2 चम्मच कैस्ट्रो ऑयल आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। अब आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है फ्रेंड्स कर्ड, यानी कि दही। दही हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये हमारे बालों की जड़ों को ठंडक देने के साथ साथ हमारे बालों की जड़ों को मजबूती देती है और बालों को तेज़ी से उगाने का भी कार्य करती है, जिससे हमारे नए बाल तेज़ी से उगने शुरू हो जाते हैं। आपको इसमें दही ऐड करनी होगी। आप चाहे तो आधी कटोरी दही भी अपने बालों में लगा सकते हैं और अगर आप बॉयज हैं तो थोड़ी कम मात्रा में दही का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच दही लिए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अब आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर से आप अपने बालों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। ये बालों को पोषण देने का कार्य करता है और नए बाल उगाता है, बालों को मजबूती देता है, बालों को लंबा, काला, घना बनाने का भी कार्य करता है। आपको इसमें 1 चम्मच आंवला पाउडर ऐड करना होगा। 1 चम्मच आंवला पाउडर को ऐड करने के बाद अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इस तरह से आपको इसे मिक्स करना होगा और बनाकर तैयार करना होगा। अब आपको इसका करना क्या है, आपको इसे अपने बालों में नहीं लगाना है। आपको इसे अपने बालों में लगाने से पहले 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही छोड़ना होगा, क्योंकि हमने जो इसमें आंवला पाउडर लिया है वो फूलने में थोड़ा टाइम लगता है और जब वो फूल जाता है तो उसके जो अंदर के पोषक तत्व होते हैं वो इस पेस्ट में निकल आएंगे। तो आपको कुछ समय के लिए इसे ऐसे ही छोड़ना होगा, उसके बाद आप इसे अपने बालों में यूज़ कीजिएगा। इस पेस्ट को थोड़ा थोड़ा लेकर उंगलियों की सहायता से बालों की जड़ों में अच्छे से लगाइए ताकि आपके बालों की जड़ों के अंदर समा जाए, और बचे हुए पेस्ट को पूरे बालों में लगा लीजिए ताकि आपके बालों में जो दो मुँह की समस्या है, बालों के बेजान दिखने की समस्या है, बालों का एकदम चमकदार ना दिखाई देना, वो सब भी समस्याएँ भी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो आप इसको अपने बालों में लगाइए और आधे घंटे तक अपने बालों में लगाकर रखिएगा। मात्र वीक में आप इसका 2 बार यूज़ कीजिए और लगातार 1 मंथ तक इसका यूज़ कीजिए। ऐसा करने से आपके बालों की सभी समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और आपके बाल तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो आप इसका यूज़ कीजिए, अपने बालों को तेज़ी से लंबा, काला, घना बनाइए। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।